जय श्री राधे। मैं हूं करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर करिश्मा कौशिक में बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल को देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक कमेंट शेयर फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। और साथ ही साथ IPL क्रिकेट से जुड़ी हुई जानकारी, मैच से जुड़ी हुई जानकारी के लिए सिकंदर जी को कॉन्टैक्ट करना ना भूले। इनकी डिटेल्स हमने स्क्रीन पर शेयर कर रखी हैं और साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका नंबर भी दिया गया है, तो ज़रूर इनसे कॉन्टैक्ट करें अगर क्रिकेट से जानकारी रिलेटेड आप कोई भी बात करना चाहते हैं। तो चलिए बात करेंगे IPL के मैच नंबर 42 की। मैच होगा 29 अप्रैल 2022 का, दिन होगा शुक्रवार का, वहीं पे लगभग शाम के 7:30 बजे का ये मैच रहेगा। मैच होगा पंजाब किंग्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स। तो चलिए देखना है कि कौन सी टीम जो है विनिंग रहेगी, कौन सी टीम टॉस जीतेगी और कौन सी टीम मैच नंबर 42 जीत के लेके जाएगी। सबसे पहले बात करेंगे पंजाब किंग्स के कप्तान की, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 16 फरवरी 1991, ये है मयंक अग्रवाल। अब इनके डेस्टिनी नंबर की बात की जाए तो इनका डेस्टिनी नंबर जो बन रहा है 2 बन रहा है। वहीं पे इनके परफॉर्मेंस की बात की जाए तो मयंक अग्रवाल का परफॉर्मेंस इस समय पे बेहतरीन नज़र आएगा। हालांकि देखा जाए तो बहुत कठिन परिस्थितियों से अब ये निकल करके वापस आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपना बेस्ट देने का प्रयास ज़रूर करेंगे। वहीं पर पंजाब किंग्स की बात करते हैं, पंजाब किंग्स की बात की जाए तो इनका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही बेहतरीन रहेगा और टीम परफॉर्मेंस एक तरह से अगर कहा जाए तो नज़र आने वाला है। वहीं पे अगर हम पंजाब किंग्स की बात करें तो कहीं पर भी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कमी इस मैच के दौरान पंजाब किंग्स की तरफ से देखने को मिलेगी। खेलने पे आएंगे, अगर इनके पहले 5 से 10 ओवर बेहतरीन निकल जाते हैं तो इनका स्कोर बहुत अच्छा बन सकता है, टिके रहेंगे और इनका ग्राफ भी मेनटेन रहेगा। अगर पहले ही 5 से 7 ओवर में इनकी 2 से 3 विकेट गिर जाती हैं तो इनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं पे अगर बात करें इसके अगेंस्ट खेलने वाली टीम लखनऊ सुपर जायंट्स की, जिसके कप्तान है KL राहुल, डेट ऑफ बर्थ है 18 अप्रैल 1992। वहीं पे टोटल की बात करें तो 7 बन रहा है, यानी केतु का नंबर बन रहा है। इनके परफॉर्मेंस की बात की जाए KL राहुल की, तो KL राहुल का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा मगर मिला जुला हम कह सकते हैं, बहुत बेहतरीन नहीं कह सकते। मगर वहीं पर अगर लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करें तो लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान जो KL राहुल हैं, इनका परफॉर्मेंस जो है हालांकि देखा जाए तो मिला जुला रहेगा मगर अपना बेस्ट देने का प्रयास करेंगे। बात कर रहे थे लखनऊ सुपर जायंट्स टीम वर्क की, तो टीम वर्क हम कह सकते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे मगर कहीं ना कहीं विकेट्स जो है इनकी बहुत जल्दी गिर सकती हैं, या यूँ कह लें कि कुछ प्लेयर्स जो हैं हमें जल्दबाजी में खेलते हुए नज़र आएंगे, जिसकी वजह से लखनऊ सुपर जायंट्स अपना ग्राफिक जो है वो मेंटेन्ड इतनी आसानी से नहीं कर पाएगी। लखनऊ सुपर जायंट्स को इस मैच को जीतने के लिए बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है और मेहनत करनी भी पड़ेगी। वहीं पे चलिए बात करते हैं इस मैच में कौन सी टीम पहले टॉस जीतेगी या बैटिंग पहले करेगी। तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो पंजाब किंग्स टॉस पहले जीत करके बॉलिंग ले सकती है और फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग जो है लखनऊ सुपर जायंट्स कर सकती है। मगर वहीं पे अगर हम मैच जीतने की बात करते हैं, दोनों ही टीम्स को कंपैरिजन करके चलें, क्योंकि दोनों ही टीम्स का कंपैरिजन करके चल रहे हैं तो बेहतरीन तो दोनों ही प्रदर्शन नज़र आएंगे, दोनों तरफ से एफर्ट्स नज़र आएंगे। मगर हाँ, मैं कहूँगी इस मैच में, मैच नंबर 42 में पंजाब किंग्स मुझे ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखाती हुई नज़र आ रही है, तो मैं पंजाब किंग्स के साथ ही इस मैच में जाना पसंद करूंगी, यानी मैच नंबर 42 जो है पंजाब किंग्स। हम बात कर रहे हैं IPL के हर एक मैच की, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं और मैच से रिलेटेड प्रेडिक्शंस जानने के लिए, IPL से जुड़ी हुई, क्रिकेट से जुड़ी हुई, स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी लेने के लिए सिकंदर जी से आप कॉन्टैक्ट करें। इनकी डिटेल्स हमने स्क्रीन पर एक बार फिर से शेयर की हैं, तो अगर आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो इनसे कॉन्टैक्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका नंबर दिया गया है और साथ ही साथ इनका लिंक भी दिया गया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और इनसे कॉन्टैक्ट बहुत ही आसानी से कर सकते हैं अब आप। और मुझसे जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स भी दिए गए हैं और साथ साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक कमेंट शेयर फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें एस्ट्रोलॉजर करिश्मा कौशिक को। और भी ऐसी वीडियोस लेकर के आती रहूँगी मैं, IPL से जुड़ी हुई और भी नई लीगों से जुड़ी हुई और साथ साथ ज्योतिष से जुड़ा हुआ ज्ञान, शनि का गोचर। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार, जय श्री।